हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ले चलते हैं आपको बनारस का सबसे फेमस एक बहुत ही शानदार जगह बना जो नया एकदम तैयार हुआ है, बोले तो बनारस का एक टेंट सिटी, ठीक है, और बहुत बड़ा बना है। उसको बनाने में अप्रॉक्स 12 करोड़ रुपए लगे हैं। तो चलिए हम आपको सीधे उसके बारे में बताते हैं। टेंट सिटी के पास जो कि 80 घाट के सीधे उस पार है, यानी आपको गंगा पार करके उस साइड जाना होगा, तब दिखेगा आपको टेंट सिटी। तो चलिए आज दिखाते हैं आपको टेंट सिटी। धीरे चलाओ भाई। उस साइड जाने से पहले सब कोई को हम लोग अपना जूता उतार रहे हैं, क्योंकि पानी पार करके ही जाना है हम लोगों को। अब दिक्कत ये है, कैमरा रखेंगे या जूता रखेंगे हाथ में? डार भर पानी है। कितना कितना डार भर पानी? तो कभी पैंट भी उतारना पड़ेगा क्या? बहुत संघर्ष है। सही है। अबे जींस नहीं पहनने का देना पड़ रहा है भाई। ये तो है टेंट सिटी का मजा। हम लोगों ने वीडियो बनाने के लिए इतनी कष्ट उठानी पड़ी। आ चुके हैं टेंट सिटी में, पूरा संघर्ष करके आए हैं अभी हम लोग। सब कोई सब किसी के जूते हाथ में ही है, ये देखिए। और यहाँ से अब लग नहीं रहा कि जूता पहन पाएंगे, उस साइड जाके ही हम लोग को जूता पहनना होगा। तो चलिए हम आपको कुछ यहाँ का ड्रोन शॉट दिखाते हैं, ड्रोन व्यू। अभी हम आपको जो दिखाए वो ड्रोन शॉट था। एक्चुअली में जो टेंट सिटी है वहाँ पे ले जाना मुश्किल है ड्रोन, क्योंकि अलाउ नहीं रहता है। वैसे ही बनारस में कहीं ड्रोन अलाउ नहीं है, लेकिन ये जब हम लोग गंगा पा रहे हैं तो यहाँ कुछ अलाउ था, तो हम आपको दूर से कुछ व्यू दिखा दिए। लेकिन जगह मस्त है, यहाँ देखिए, यहाँ विरल खड़ा है, फोटो शूट कर रहा है पूरा एकदम। मतलब दूर दूर लोग झुंड में घूम रहे हैं, यहाँ आग भी जल रही है, मतलब मस्त है। हम लोग अपना अपना शूज खोल के रख लिए हैं। तो यहाँ ऊँट की भी पूरा सवारी का बंदोबस्त किया गया है, लोग चढ़ के ऊंट पे घूम रहे हैं, क्योंकि बालू का रेत है ना, तो यहाँ ऊँटों का चलाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। मजा आ रहा है जूता लेके हाथ में? उधर से आ रहे हैं हम लोग, पूरा उस साइड से, और जा रहे हैं इस साइड, ये देखिए। अगर अगर इधर से बोट नहीं मिला फिर तो बोट तो पैदल चलेंगे ना। भाई पता है पैदल कितना दूर है? 7 किलोमीटर भाई, बालू में आधा किलोमीटर चलना। ये देखिए पूरा बालू का रेत है, और इसमें एक कारपेट जैसा लगाया हुआ है, पूरा क्या बोलते हैं लोहा का, मतलब ये रोड टाइप का बना दिया गया है यहाँ से, ताकि लोग उस साइड से आएंगे और यहाँ से मस्त जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं और उधर भी जा सकते हैं।
पूरा लोहा टाइप बनाया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं पूरा पत्तल का। भाई खाली पैर चल रहे हैं सब। सही कर दिया ना ये रोड बना के, नहीं तो लोगों को गाड़ी तो आना पॉसिबल था ही नहीं इधर। चलाना मुश्किल होता। खाली पैर चलना मुश्किल है, या तो ऊंट से आना पड़ता। सही बात है, क्योंकि पूरा रेगिस्तान की तरह है, देख सकते हैं पूरा दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है। तो ये बालू के रेत के तरफ से हम लोग निकल रहे हैं, देखते हैं कि बोट मिलता है कि नहीं हम लोगों को। क्या कुणाल भाई, बोट मिल जाएगा? चांस तो है, देखते हैं। कुछ अगर नहीं मिला, इन केस नहीं मिला, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि यहाँ से 8 किलोमीटर एटलीस्ट हम लोग को चल के जाना होगा। अब बालू में चलना भाई बहुत इम्पॉसिबल है, पूरा पैर एकदम जाम हो जा रहा है। ये पूरा लंबा बना हुआ है, लेकिन अभी इसमें काम चल रहा है, और यहाँ बिना आप ऑनलाइन बुकिंग के अंदर नहीं जा सकते हैं, अलाउड नहीं है। अगर बुक होगा, आपका टिकट देखा जाएगा, तभी अंदर जाया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है। एक बार अंदर जाने के बाद पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गए। तो हम लोग अभी शाम हो चुका है, यहाँ से निकलते हैं, और ये टेंट हाउस शायद आप रुकना चाहते हैं तो शायद 12,000 या 7,000 कुछ ऐसे है इसका बुकिंग का। तो गाइस अभी रात हो चुका है, क्योंकि हम लोग जब टेंट सिटी आए थे तो दिन था, अप्रोक्स 3:30 हो रहे थे, और अभी जा रहे हैं तो 6:30 हो रहे हैं अभी। और जिस बोट से हम लोग आए थे वो बड़ी वाली बोट थी, इलेक्ट्रिक वाली, जो मतलब जनरेटर से चलती है जो, और अभी जा रहे हैं वो जो हाथ से करते हैं बोट। तो फर्स्ट टाइम इस बोट में हम लोग बैठे हुए हैं, सबको ही शायद एक कुणाल है जो बैठा हुआ है पहले, बाकी हम सबको ही फर्स्ट टाइम बैठे हैं, लेकिन हालत खराब है अंदर से पूरी। क्या सीन है, डर लग रहा है? इस डर के साथ थोड़ा मजा भी आ रहा है इस बोट में। स्विमिंग आती है? नहीं, नहीं आती है। फिर सब मजे निकलने वाले हैं, मतलब इनके डर तो थोड़ा लगेगा ही। मामू क्या सीन है, फर्स्ट टाइम बैठे या पहले भी बैठे? फर्स्ट टाइम बैठे हुए, नशा फटा हुआ। नशा फटा हुआ नितेश, क्या सीन है? फर्स्ट टाइम या इसके पहले कहीं बैठे थे? तो फिर ये चूज करने का रीजन किसने चूज किया? कोई ऑप्शन नहीं था, दूसरा ऑप्शन नहीं था हमारे पास। कुणाली तुमने तो शायद बैठे ही पहले, डर नहीं लग रहा? स्विमिंग आती है? अगर स्विमिंग आती तो डर लगता। क्या दोस्त, इतनी दूर से आके तुम तो हमारे नवाबी दोस्त हो। बताओ, रिवर राफ्टिंग कर चुके हैं? कुछ नहीं गाइस, फटी इसकी भी है पूरी की पूरी। बस शो नहीं कर रहा वीडियो में। फाइनली आ गए हम लोग इस साइड। गाइज अभी हम लोग रात हो गया है, और डेली ब्लॉग तो हम लोग का रात को ही एंड होता है, क्योंकि आते आते रात हो जाता है। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।